Assalamualaikum, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगेगा। और ये वीडियो है डिलीवरी से रिलेटेड, जो डिलीवरी बैग है आप लोग अपने लिए कैसे पैक करोगी, आपको क्या क्या सामान लेके जाना है डिलीवरी में हॉस्पिटल में। तो इमरजेंसी में आपको कुछ मतलब गड़बड़ ना हो, जो आप पहले पैक करके रखना है, तो वही मैं आप लोग के लिए शेयर करूँगी। और ये वीडियो जो है मैं अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर कोई भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल पे। तो सब्सक्राइबर से चाहे आप लोगों को कुछ नहीं होगा, नहीं गेन होगा, लेकिन मुझे मेरे सब्सक्राइबर गेन होता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। है आप लोगों को स्टार्टिंग में नंबर वन में आप लोगों को रेडी करना है एक हॉस्पिटल बैग। वो हॉस्पिटल बैग ही आप लोगों को लेके जाना है, लेकिन कहीं ट्रैवलिंग में इतना बड़ा सा लेके कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे तो आप ट्रॉली बैग भी ले सकते हो, ऐसे जितना बहुत बड़ा नहीं, इतना साइज़ मैं यहाँ पे लगा रहूँगी, आप लोग देख सकते हो, इतनी सी साइज़ का आप एक ट्रॉली बैग ले जा सकते हो। और अपने लिए जो है वो बैग अलग करके रखिएगा, बेबी के साथ इंक्लूड नहीं करिएगा, क्योंकि आपको अपना सामान जो है इजीली ढूंढने में इजी होता है। अगर आपकी कोई नर्स है आपके साथ हॉस्पिटल में, तो उनको भी अगर आप मतलब कुछ बोलते रिकमेंड करते हो, तो वो भी निकालने के लिए ईजी होता है। तो मैं उस हिसाब से आपके लिए बोल रही हूँ, उस हिसाब से ही अपने लिए एक अलग बैग पैक करिएगा। तो सबसे पहले आप अपना बैग रेडी करिएगा, उसके साथ है सेकंड में सबसे इम्पॉर्टेंट है पैड्स, डिलीवरी मैटरनिटी पैड्स जो है आपको वो लेना है। वो हॉस्पिटल से भी बहुत लोग प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत हॉस्पिटल से। अगर आप अपना कंफर्ट से लेना चाहते हो तो अपना ही लेके जाना बेस्ट होता है। हॉस्पिटल से भी बताना है उसका क्वालिटी कैसा होगा, आपको कम्फर्ट होगा कि नहीं होगा यूज़ करने में, तो इससे अच्छा है आप अपना लेके जाइएगा, क्योंकि वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी पैड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी, तो वो आप अपना लेके जाइएगा जो है अच्छी क्वालिटी। कुछ भी आप स्टे फ्री भी मैं बोल सकती हूँ, मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हो, तो वो आप लोग जरूर लेके जा सकते हो। उसके बाद आते हैं जो कि आपका अंडर गारमेंट्स, वो सब आप जरूर लीजिएगा। जितना मतलब अगर आपको स्टे करना है हॉस्पिटल में सी सेक्शन हो तो ऑलमोस्ट 3-4 डेज आपको स्टे करना होता है, अगर नॉर्मल हो तो 2 डेज ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट आपको स्टे करना होगा। तो इसी हिसाब से आप अपना जो है डिलीवरी मैटरनिटी जितना भी है वो सब लेके जा सकते हो, और अंडर गारमेंट्स भी आपका पैक कर सकते हो। तो आप चाहे ज़्यादा ही लेके जाइए, जितना कम मत लेके जाइए, ताकि आप रेगुलर चेंज कर पाओ, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना आफ्टर डिलीवरी आपको जो ब्लीडिंग होते उसके हिसाब से कभी अगर अंडर गारमेंट्स खराब ही होना चांसेस होते, और अगर डेली आप चेंजेस करोगे कभी कभी 2 बार भी चेंज करना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से आप जो है अंडरगारमेंट्स लेके जा सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक पार्ट है थर्ड में, आप अगर चाहो तो जो है ब्रेस्ट पैड वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि यू नो आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट पैड की बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा आपका ब्रेस्ट पैड इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर हो सके तो आप लेके जा सकते हो। और बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट पंप जो है वो मिल्क के लिए आप लेके जा, लेकिन मैं वो प्रोवाइड नहीं करूँगी, जितना हो सके आप अपना फिट करने के लिए ट्राई करें, अगर ज़रूरत पड़े तो वो हॉस्पिटल से कहीं कहीं हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं, और तब भी आप वहाँ से भी ले सकते हो, कहीं पर फार्मेसी मिल जाता है ले सकते हो, वहाँ से भी आप हॉस्पिटल जो मिल्क पैड है, मिल्क पम्प है, वो आप ले सकते हो वहाँ पर, तो वो मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जो है आप लोगों को लेना है हॉस्पिटल ग्राउन, जो आपको चेंज करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको थोड़ा सा यू नो पैसेंस सा नहीं फील हो, इसीलिए आपको अपना कपड़े पहन के कंफर्ट, जो भी आपको कंफर्ट लगे, जैसे गाउन होता है, मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, उस हिसाब से आप गाउन लेके जा सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे यू नो। तो उस हिसाब से आप 4-5 जोड़ा आप एक अपना गाउन लेके रख दीजिएगा, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। और ये मत भूलिएगा जो कि आपको हॉस्पिटल से घर आने के टाइम भी एक ड्रेस लेके रखिएगा अपने बेबी को लेके आने के टाइम, तो अपना भी एक वो वाली ड्रेस भी ज़रूर रखिएगा, जो भी आप पहन के आना चाहते हो हॉस्पिटल से, तो वो भी ज़रूर लीजिएगा। उसके साथ है स्किन केयर, अगर आप हॉस्पिटल में थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाहते हो, तो एक क्रीम, एक फेस वॉश,
इतना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और है वाइप्स, बेबी का वाइप्स तो आप लेके जा रहे हो तो उसी वाइप्स को आप भी यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा आपको पैक करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी ज़रूर आप याद में लेके जाए। और उसके साथ जो है मैं और एक बात आपको बताना चाहूँ, एक वाटर बॉटल अपना लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यू नो डिहाइड्रेट नहीं होना होता हॉस्पिटल में, तो आपको डिलीवरी से पहले से ही आपको अपने आप को हाइड्रेट करके रखना होता है। तो डिलीवरी के बाद भी आप ज़रूर याद रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जितना हो सके पानी पीजिए, पानी से बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है। यू नो कई बार मैंने देखा था मेरे फर्स्ट डिलीवरी में डॉक्टर इंडिया में मुझे पानी पीने के लिए मना कर रहे थे अपना आफ्टर डिलीवरी, एकदम से पानी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट फील हो रहा था, लेकिन मुझे पानी नहीं दिया था, ऐसे ही पता नहीं थोड़ा थोड़ा करके इसे लिप्स में लगा के ऐसे पानी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मुझे कतर में रहती हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए दे रही थी। तो जितना हो सके एक पानी का बोतल लेके जाइए, अगर हो सके तो आप जो भी है गरम पानी रखने के लिए इस तरह का भी आप कैटल लेके जा सकते हो, जहाँ पे आप अपना जो है पानी गरम करके मतलब ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी हॉस्पिटल से भी गरम पानी प्रोवाइड नहीं करते। जो भी हो अपना लेके जाइए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये भी कम्फर्ट होता है अपना, जितना भी हो सके वो सामान ज़रूर याद करके लेके जाइएगा। और एक कोम्ब भी लेके जाइएगा जो कि आप, और एक टॉवल जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में बर्थ लेना भी ज़रूरी होता है। आई डोंट नो इंडिया में शायद कहीं कहीं हॉस्पिटल में देते हैं बर्थ लेना, लेकिन बर्थ लेना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे ही मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बर्थ लीजिए, सेकेंड डे ही मुझे उठा के बर्थ में भेज दिया था, क्योंकि बर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगने के लिए भी देना चाहिए, तो आप बर्थिंग के लिए या कहीं बात लेने या नहीं लेने से नहीं, लेकिन आपको एक टॉलिया ज़रूर लेके जाना चाहिए अपने आप के लिए। हॉस्पिटल से भी प्रोवाइड करते हैं, बट मैं प्रीफर नहीं करती हूँ हॉस्पिटल का टॉवेल या ऐसे यूज़ करने का, अपना लेके जाना इस वो अलग बात है। तो अपने जितना भी हो सके वो लेके जाइएगा। और स्किन केयर, अगर आपको थोड़ा सा टच इन अप करना है मेकअप, आई डोंट थिंक कुछ भी मेकअप की ज़रूरत पड़ता है हॉस्पिटल में, मुझे बिल्कुल नहीं पड़ा था, क्योंकि वो सब मूड ही नहीं होता है। तो एक क्रीम और एक फेस वॉश वो ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि फ्रेशन अप होना भी ज़रूरी होता है। इसे ज़रूर ऐड करके पैक करेगा, वो है खाने का कुछ भी सामान जो कि आपको पसंद है, स्नैक्स या हो या ड्राई फ्रूट्स हो या कुछ भी प्रोटीन बार हो, ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह आप अपना पैक करके ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगती है हॉस्पिटल में आफ्टर डिलीवरी, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इनफैक्ट डिलीवरी से पहले भी अगर आपको दो दिन पहले रहना पड़े, यू नो नेवर नो कब आपका बेबी आए, तो बहुत ज़्यादा भूख लगता है, बहुत ज़्यादा। और हैवी मील नहीं होना, तो आपके पास अगर ये सब स्नैक्स भी हो तो इट्स गुड, आप कुछ भी खा के अपना पेट थोड़ा सा भर सकते हो। तो स्नैक्स ज़रूर पैक करके रखिएगा, ये कभी मत भूलिएगा, सबसे पहले तो अपने खाने का ज़रूर स्नैक्स लेके जाइएगा आपका हॉस्पिटल में। तो यही है छोटा मोटा सा, थोड़ा बहुत जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ इतनी सी ही सफिशिएंट है आपको पैक करने के लिए हॉस्पिटल में। बहुत कुछ भर भर के लेके जाना इट्स नॉट गुड, मेकअप वगैरह बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मेकअप लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी मन नहीं होता है। मेरे एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी मन नहीं था, सिर्फ मैंने फेस वॉश किया था बस। इनफैक्ट क्रीम लगाने का भी मन नहीं हो रहा, लेकिन क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक वैसलीन भी हो सके तो ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपने आपको यू नो लिप्स में कुछ लिप बम या हैंड क्रीम ये सब जरूर लेके जाएगा, एक लोशंस वगैरह जो कि अपने आपको हाइड्रेट करके जरूर रखना होता है। तो यही है एक छोटा सा टिप्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी शेयर किया है मेरे चैनल में, आप लोग जाओ तो देख सकते हो। और मैंने अपने चैनल पर ब्लॉगिंग भी करती हूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मेरे ब्लॉगिंग देखने के लिए, मैं कतर लाइफ दिखाती हूँ, मैं कतर में रहती हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस अगर इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अगर मेरे चैनल पर न्यू हो कोई भी तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।